Hello everybody, this is Avindeep Chattopadhyay, second professional BB student from Rampurhat Government Medical College and Hospital. And this video, I'm going to talk about how to study physiology in first year. And I myself scored a 68% in physiology in my first professional MBBS. And ye koi boast nahi hai, kuch nahi hai. It's just like a credibility statement to all of you guys, jo ki soch sakte hai ki main kaun hota hun ya suddenly how can I speak about it. So I hope this video will help you guys and अगर कोई डाउट रहे कुछ रहे सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम आई विल लीव अ लिंक बिलो एंड ऑल्सो यू गाइस कैन कमेंट इट डाउन हियर लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्टली वी लुक इनटू द फैक्ट दैट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट सो देखिए सब्जेक्ट दो टाइप का होता है या तो वास्ट होता है या डिटेल्ड होता है ठीक है फिजियोलॉजी इज़ नॉट वास्ट फिजियोलॉजी इज़ डिटेल्ड ये आई थिंक आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे एंड टू क्रैक अ डिटेल्ड सब्जेक्ट The key to cracking a detailed subject is nothing but multiple revisions. ठीक है Now you guys can ask कि भैया multiple revisions कैसे करें इतना vast है या इतना detailed है इतने सारे concepts है इतने सारे topics है हम लोग कैसे इतना बार revise करें So when you will be giving a professional MBBS first, then you will be facing a lot of trouble regarding this. कि इतना सारा chapter है उसमें इतने सारे concepts है क्योंकि हम लोग 11, 12 में जितना पढ़ते थे उसका almost double, triple is physiology alone and then you have anatomy and biochemistry to manage तो इसलिए मैंने एक simple तरीका आप लोगों को बोला है कि आप लोग या तो notes बना लीजिए या तो आप color coordinate highlights कर लीजिए book से इसका मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप CVS पढ़ रहे हैं तो CVS might be a very detailed topic बहुत सारे concepts है ECG हो गया BP हो गया heart block बहुत कुछ है ठीक है सो इसमें से आपको करना क्या है आपको एक एक chapter का essence minimum 1 to 2, 2.5, 3 pages के अंदर लिख लेना है That's your self-written notes. Or what you can do for like lazy people like me and maybe a lot of you guys, आप लोग highlights कर सकते हो books से color coordinated. यार ये topic में ये जो concept है ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा revise करना पड़ेगा because ये मेरे को याद नहीं रह रहा है and ये चीज़ मेरे को एक बार revise दो बार revise करने से याद रह जा रही है तो ये आप कब identify कर पाओगे जब आप बार बार पढ़ोगे So first time studying might be a bit difficult but yeah you have a lot of channels on YouTube as well as a lot of online teaching apps or whatever आपका कोई भी सोर्स हो कॉलेज में पढ़ा रहा है कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं सो कंसेप्ट्स को पहले क्लैरिफाई कीजिए एंड देन स्टार्ट हाईलाइटिंग फ्रॉम द बुक फॉर लेजी पीपल एंड इफ़ यू आर एक्चुअली हार्ड वर्किंग देन प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाइए इट हेल्प्स अ लॉट तो मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए बनाए थे एंड इट हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS एंड दिस विल मेक द रिविजन वेरी ईजी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ठीक है एंड इसके बाद क्या होगा यार फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन आपको प्रैक्टिस करनी है ये मैंने क्यों लिखा है आपने सब कुछ कर लिया ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज है रिविजन ठीक है अब आपको प्रोड्यूस करना है एग्जामिनेशन हॉल में इसके मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हाउ यू हैव टू अप्रोच योर फर्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन सो एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर मार्क्स स्कोरिंग अरीना तो जब आपको मार्क्स स्कोर करना है उसके लिए आपको रिविजन से सिर्फ काम नहीं चलेगा रिविजन विल हेल्प यू रिकैपिचुलेट रिविजन विल हेल्प यू रिट्रीव द नॉलेज बट यू हैव टू प्रोड्यूस इट सो फॉर ईजी रिट्रीवल एंड फॉर प्रोडक्शन इन द कॉपीज योर आंसर स्क्रिप्ट यू हैव टू यूज़ फ्लो चार्ट्स बिकॉज द प्रोफेसर वॉन्ट्स टू सी इफ यू लाइक नो द कंसेप्ट और नॉट अगर आपको कंसेप्ट ठीक से आती है देन इट विल नॉट बी अ बिग इशू फॉर यू ठीक है तो फ्लो चार्ट अगर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इसका मतलब प्रोफेसर समझ जाएगा दैट यू हैव थिंग्स इन योर माइंड हाँ देयर माइट बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में आपको फ्लो चार्ट करना है बट वेर एवर पॉसिबल डू एड फ्लो चार्ट्स एंड इसको आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए मेक इट अ हैबिट सो दैट योर आंसर प्रोडक्शन इन दिस आंसर स्क्रिप्ट बिकम लाइक वेरी क्लियर एंड आप जो बताना चाह रहे हैं जो आपके दिमाग में है वो प्रोफेसर तक पहुंच रहा है ठीक है दिस इज़ व्हाई आई हैव सजेस्टेड अ फ्लोचार्ट रिप्रेजेंटेटिव पैटर्न एंड ऑल्सो मल्टीपल रिविजन्स विल मेक इट मोर इजी फॉर यू टू रिट्रीव सो यू विल सेव टाइम व्हाइल यू विल बी थिंकिंग अबाउट द आंसर ठीक है इसके बाद क्या यार इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस हायरार्की नोटिस कराया आप सबको इंपॉर्टेंस हायरार्की क्या है इट्स द प्रिपरेटरी इंपॉर्टेंस हायरार्की मतलब कि आपके प्रिपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें आपको किस हायरार्की में करनी चाहिए वो मैंने अरेंज किया आपके लिए ये मैंने फॉलो करी थी पर्सनली इट हेल्प मी अ लॉट एंड आई होप इट विल हेल्प यू गाइस टू तो पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए ठीक है कि लास्ट 10 years, 15 years में क्या क्या पूछे गए हैं इससे आपको क्या होगा यार हाई टॉपिक आइसोलेशन हो जाएगा कि किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एंड फिर आपको उनका क्या करना है उनको बस कॉन्सोलिडेट करना है सिंपल एज दैट कॉन्सोलिडेशन ऑफ हाई टॉपिक्स सो यू आर गोइंग टू ओपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू आइसोलेट द हाई टॉपिक्स फ्रॉम एवरी चैप्टर एंड यू विल कॉन्सोलिडेट देम बिकॉज टाइम बहुत कम है यार पूरा डिटेल स्टडी करने का टाइम आपके पास है लेकिन नहीं भी है बिकॉज इन MBBS थिंग्स आर सो वास्ट एंड सो डिटेल्ड यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज
ठीक है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ पूरा पढ़ने से, बट इफ़ यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन कॉलेज, देन यू ऑल्सो हैव फ्रेंड्स टू गो आउट विद, देन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर वर्क इन कॉलेज, बिकॉज लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है डायनामिक्स आफ्टर 11th 12th, तो वो सब चीज़ों को मायने रखते हुए आपको स्टडी में हाई यील्ड वर्थ वाइल टॉपिक्स देने पड़ते हैं टाइम. तो इसके वजह से मैंने बोला है हाई यील्ड टॉपिक आइसोलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वंस यू आर डन विद दिस, दिस विल सिक्योर अ गुड होल्ड ऑन द सब्जेक्ट. उसके बाद आप एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स पर फोकस करिए. लाइक लेट्स से यू हैव शॉक, सो शॉक इज़ मोर ऑफ अ पैथोलॉजिकल और पैथोलॉजी ओरिएंटेड चैप्टर इन CVS विच इज इंक्लूडेड इन फिजियोलॉजी. आई एम नॉट सेइंग यू स्किप इट, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी डेफिनेटली यू कैन स्टडी, बट दैट इज़ नॉट बींग आस्क दैट फ्रीक्वेंटली, सो यू माइट हैव अ रफ आइडिया अबाउट इट. बट येस, इफ़ यू आर स्किपिंग ECG, इफ़ यू आर स्किपिंग हार्ट ब्लॉक, देन दैट्स अ वेरी फुलिश थिंग यू विल बी डूइंग. तो इसी वजह से आपको टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, उसकी वजह से PYQ बहुत हेल्प करेंगे. एंड PYQ जैसे आपको बताएगा कि आप लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, सो यू विल बी एबल टू आइसोलेट योर हाई यील्ड टॉपिक्स. ये जब आपने कंसोलिडेट कर दिया है, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे फोकस कर दिए, ठीक है. ये प्रिपेरेटरी फेज का बता रहा हूँ. नाउ विल मूव ऑन टू द चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन ऑफ द पेपर्स. तो यार देखो, मैं वैसे वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं WBHS के हिसाब से जो चैप्टर सेग्रीगेशन है यही बता रहा हूँ. I am not really aware about the different states, but yeah, it might be like, you know, 9900 kind of a चीज़ है, 19-20 चीज़ें difference होगी, तो देख लीजिए. Paper 1 में वेस्ट बंगाल में पूछा जाता है जनरल फिजियोलॉजी, नर्व मसल फिजियोलॉजी, हेमाटोलॉजी, रेस्पिरेटरी, CVS एंड GIT along with 8 com for 5 marks. And paper 2 will be renal, endocrine, reproductive, CNS, special sense. तो आपका paper 1 आएगा 100 marks का, paper 2 आएगा 100 marks का, और practical आएगा 100 marks का, ठीक है. So for paper 1, I have you know actually highlighted the chapters in a different way. You might be thinking green blue क्या कर रखा भैया ने. तो यार देखो, इसका सिंपल लॉजिक ये है, पहले तो आपको पूरा पढ़ना है, आपको सिलेबस ख़त्म करनी है. वन शॉट सिलेबस ख़त्म आपका जब हो जाएगा, देन यू हैव अ हायरार्की टू फॉलो फॉर रिविजन. जिसने मेरे को हेल्प किया था ईजी रिविजन अटेन करने में, है ना. आप गलत चीज़ों पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे और आपके पास हाई यील्ड टॉपिक के लिए कम टाइम रह जाएगा, दैट विल बी फुलिश. तो यू गाइस कैन फॉलो दिस सीक्वेंस. आपको पहले CVS रिवाइज करनी है, हेमाटोलॉजी रिवाइज करनी है, दीज आर वेरी डिटेल्ड एंड हाई यील्ड फॉर paper 1. उसके बाद आपका यार GIT, रेस्पिरेटरी, नर्व मसल एंड लास्ट में जनरल फिजियोलॉजी आता है. मैं किसी चैप्टर को लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, बट विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन जो वेटेज ऑफ मार्क्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हिसाब से मेजॉरिटी वाइज पूछी जाती है. सो आई एम नॉट टेलिंग कि इग्नोर करिए, बट हाँ, रिविजन का सीक्वेंस आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा paper 1 में 8 com आता है 5 marks का, ये आपके हर सब्जेक्ट के paper 1 में आएगा, ठीक है. सो दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग थिंग, इसको आप प्लीज़ इग्नोर ना करें. आपके सीनियर्स ने डेफिनेटली आपको भेजा होगा एक PDF, जिसको उन लोग ने भी फॉलो किया, जैसे हमारे सीनियर्स ने हमको भेजा था. सो देर आर फ्यू क्वेश्चन, स्टिपुलेटेड क्वेश्चन, उसी के अंदर से क्वेश्चन आती है, एंड उसको आप फॉलो करिए, उसको आप बार बार पढ़िए, एसेंस निकालिए, एंड प्लीज़ प्रोड्यूस दैट इन एग्जाम, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वेरी हाई यील्ड टॉपिक एंड वेरी वेरी स्कोरिंग. आपको 5 marks मोस्ट के मिल रहा है ऑलमोस्ट, राइट, तो कौन छोड़ता है. सो लाइक दैट, तो उस हिसाब से आप करिए. फॉर paper 2 आई हैव पुट CNS एंड एंडोक्रीन अंडर द हाई वेटेज टॉपिक्स. उसके बाद रिलेटिवली रीनल एंड स्पेशल सेंसेस एंड रिप्रोडक्टिव. देन ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, स्पेशल सेंस और रिप्रोडक्टिव के बीच में बहुत सीनियर्स आपको रिप्रोडक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं. सो इट मैटर्स कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बना है. सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्पेशल सेंस पहले ही करना है, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने करा था, बिकॉज स्पेशल सेंस में बड़े कॉन्क्रीट वे में कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था, जैसे ऑडिटरी पाथवे हो गया, ऑप्टिक पाथवे हो गया, एंड योर कंडक्शन डेफनेस, सेंसरी डेफनेस, कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो पूछा जा रहा था, एंड दैट्स वाई इट वॉज ईजी फॉर मी टू रिवाइज प्रिटी फास्ट. तो इसलिए मैंने ये पहले करा था. रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ईजी है, बट इससे कंपेरेटिवली मैंने कम क्वेश्चन देखे कम्पेयर टू स्पेशल सेंस, बट या यू गैस कैन क्लब दिस टुगेदर, ठीक है. तो दिस विल बी योर सीक्वेंस ऑफ रिविजन. एंड वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू से बिफोर एंडिंग द वीडियो कि यार कंसेप्ट्स विल रिपीट इवन इफ क्वेश्चंस डोंट. इसका बहुत बड़ा एसेंस है. हो सकता है 2019 में हार्ड ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया जो कि 2020 में नहीं पूछा गया, लेकिन 2019 में हार्ड ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में भी हार्ड ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया. इट माइट बी डिफरेंट कि एक जगह में पीयर इंटरवल का बात चल रहा है, एक जगह पे WPW सिंड्रोम का बात चल रहा है. सो इट माइट वेरी, बट द कंसेप्ट विल रिमेन सेम. तो अगर आपका पास एक टॉपिक आइसोलेशन करके रखा हुआ है कि हाँ इस टॉपिक के कंसेप्ट से क्वेश्चन आती है, तो उस टॉपिक का कंसेप्ट अगर आपके पास है, सो यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन इन कॉमन, ठीक है. तो क्वेश्चन का एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट क्वेश्चन भले ही रिपीट ना हो,
but concepts are bound to repeat because over the 15 years it has been happening and suddenly there will be no shift. ठीक है, जैसे हमारे ईयर में questions were different from previous year, but the concepts were not. Mind my words, I said questions were different, but not concepts. Concepts were the same. तो इसको आप नज़र रखिए, इस पर आप ध्यान रखिए एंड इसको आप फॉलो कीजिए. आई होप दिस विल हेल्प यू गाइज इन योर नियर फ्यूचर एंड यू कैन अप्लाई दिस फॉर योर सेमेस्टर एज वेल. ठीक है, एंड दिस विल बी द वीडियो ऑल अबाउट गाइज. आई होप दिस हेल्प्ड यू एंड दिस विल हेल्प यू इन द फ्यूचर एंड इफ इट डज देन डू हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. एंड फॉर एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज यू गाइज कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम गोना गिव द लिंक एंड द यूजर नेम बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. स्टे ट्यून्ड.